अब मैं आपको एक न्यूरोथेरेपी का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला सिखा रहा हूं, बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है और बहुत सारी समस्याओं में इस्तेमाल करा जा सकता है। ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन का फॉर्मूला। लंग्स से रिलेटेड आपको श्वास से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस ऑक्सीजन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड खांसी है, बलगम आ रहा है, आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपकी जो समस्या है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है इसकी वजह से है। तो इन सभी कंडीशंस में एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा जाएगा। न्यूरोथेरेपी का बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, टेस्टेड फॉर्मूला है। इस ट्रीटमेंट से पहले आप किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए और इस पूरे फॉर्मूले के बाद में आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, दोनों कंडीशन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल केवल एक फॉर्मूले से, इस तरीके से फॉर्मूला जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, इससे तुरंत बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम ऑक्सीजन फॉर्मूला कैसे देंगे। इस फॉर्मूले को एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे कौन कौन से पॉइंट हम इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। न्यूरोथेरेपी कोड लैंग्वेज है जिनको मैं आप आपको सिखाऊंगा। 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, 20 राउंड द स्पाइन, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच। ये हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को जो जो मैंने बोले हैं, अब आपको एक एक पॉइंट करके मैं सिखाता हूं कैसे हम देंगे। 8 चेस्ट ओनली जो मैंने सिखाए हुए हैं, यानी कि अगर आप हाथ से दे रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 स्ट्रेच। 6 स्ट्रेच पहले लेफ्ट हैंड पर देंगे स्ट्रेच। पाउडर लगाना है अगर कपड़ा नहीं हो, और कपड़ा है तो बिना पाउडर के दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर राइट हैंड पर तुरंत देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच, उल्टे लेटना है, 6 बैक एरो। अब बैक एरो कैसे देंगे आइए देखते हैं। 6 बैक एरो यानी कि ये जो लंग्स का अब पीछे वाला भाग है, पोस्टीरियर पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 बैक एरो है तो एक 1 बैक एरो 3 स्ट्रोक होता है, यानी कि 1 बैक एरो अगर हम दे रहे हैं तो 3 स्ट्रोक है, और हम 6 बैक एरो दे रहे हैं तो यानी कि 18। जैसे चेस्ट में 12 दे सकते थे एक बार में, हम यहां पर बैक एरो 9 बार ही दे सकते हैं, यानी कि 18 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 9-9 करके। तो मैंने एक बार 9 दिया था, अब एक बार दोबारा से 9 दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 बैक एरो। 3 एच एरो, एच एरो की भी यही काउंटिंग है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 यानी कि 9, 1 ये एच एरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि T3 से लेकर T3 T4 से लेकर प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ हमें जाना है। ये T3 से लेकर ये नीचे की तरफ प्रेशर देते हुए नीचे तक जाना है। ये हमारा एच एरो है। एच एरो ये मान लीजिए गर्दन है और यहां से मैंने हाथ खींचते हुए ऐसे गया तो ये एच बन गया यहां जाकर, तो ये एच एरो है। बैक एरो हम शोल्डर ब्लेड को पीछे से स्टिमुलेट करते हैं और पूरा प्रेशर देते हुए इस तरीके से जाते हैं। ये हमारा बैक एरो है, ये हमारा बैक एरो है। ये दोनों ही 3 स्ट्रोक इक्वल टू यानी कि 3 स्ट्रोक जब हम देते हैं तो 1 बैक एरो या 1 एच एरो हो जाता है। इसकी काउंटिंग पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे देना है। तो 3 एच एरो दे रहे थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 बार हम उसको रिपीट करेंगे, और जब हम 6 बैक एरो दे रहे थे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 18, 18 को 2 बार में हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हम बैक एरो को
हम मैक्सिमम 9 बार ही कर सकते हैं, इसलिए हमने बैक एरो 2 बार में 9-9 बार करके दिए। अब इसका 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, 20 राउंड द स्पाइन। स्पाइन को स्टिमुलेट करने के तीनों तरीके हैं। स्पाइन को हम इसलिए स्टिमुलेट करते हैं क्योंकि स्पाइन से हमारे सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके स्पाइन के जो मन के हैं, यहां से जो नर्व निकलती है वो आगे के सभी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती हैं, ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं। पूरे स्पाइन को स्टिमुलेट करने के तीन तरीके हैं। पहला है ऑन द स्पाइन, दूसरा है बिसाइड द स्पाइन, तीसरा है राउंड द स्पाइन। हम इसको अलग अलग टेक्निक है, 1:1 है, जब हमारा ये एक कंप्लीट हो जाता है तो 1 काउंट करते हैं। ऑन द स्पाइन कैसे देंगे आइए देखते हैं। ऑन द स्पाइन का मतलब है कि स्पाइन के ऊपर अंगूठा रखना है, हमने स्पाइन के ऊपर अंगूठा रखना है और ऊपर से ही हल्का सा प्रेशर देते हुए, ये पकड़ लीजिए आप, है ना, ऊपर से हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आते हैं और नीचे से जहां तक हम नीचे आ सकते हैं, यानी कि लास्ट बोन ऑफ स्पाइन, यहां से फिर हम वापस जाएंगे प्रेशर देते हुए और यहां जाकर छोड़ देंगे। अगर आप अंगूठे से नहीं दे सकते तो हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से, एक एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये मैंने दिया 20 ऑन द स्पाइन, यानी कि स्पाइन को हमने ऊपर से स्टिमुलेट करा है, स्पाइन को ऊपर से ही प्रेशर नीचे गया, नीचे से इसको ऊपर होते हुए ऊपर गया, ये हमारा 20 ऑन द स्पाइन है। अब सेकंड आता हमारा 20 बिसाइड द स्पाइन, यानी कि स्पाइन के बिसाइड, यानी कि उसके दोनों तरफ सर्कुलेशन क्रिएट करना है, स्पाइन को टच नहीं करना, तो स्पाइन को दोनों उंगलियों के बीच में ले लेंगे। अब यहां से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहीं से हम वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो ये हमारा बिसाइड द स्पाइन हो जाएगा। कैसे देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये जब आप देंगे तो कपड़ा जितना कम हो स्पाइन के ऊपर उतना अच्छा है। अगर आप जेंट्स को दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट पाउडर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पाउडर आप लगाइए स्पाइन के ऊपर और फिर आप दीजिए। अगर आप लेडीज को दे रहे हैं तो जितना कम कपड़ा होगा, यानी कि चुन्नी लगाकर आप पूरी चुन्नी का इस्तेमाल करके इस तरीके से दे सकते हैं। ये जब हम पूरा एक राउंड लगा देते हैं तो ये 1 कहलाता है, यानी कि 20 बिसाइड द स्पाइन। अब हमारा है 20 राउंड द स्पाइन। राउंड द स्पाइन का मतलब है कि स्पाइन के राउंड लगाना है। यहां से शुरुआत होगी, ये मेरी स्पाइन है, यहां से स्टार्ट करके इस स्पाइन के सीधे सीधे मैं नीचे आऊंगा और यहां से राउंड लगा दूंगा, यानी कि दूसरी तरफ से चला जाऊंगा। तो ये एक राउंड जब होगा तो 1 राउंड एरो कंप्लीट हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये मेरा 20 राउंड द स्पाइन करा। फिर इसके बाद में 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 9 बैक एरो, 9 बैक एरो, नेक बैक एरो, 9 की संख्या में 6 बैक एरो कंप्लीट होगा।
और केवल 9 की संख्या में हमारा 3 बैक एरो कंप्लीट होगा। कैसे करेंगे? 6 बैक एरो, ध्यान से देना, मैं 6 बैक एरो दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 बैक एरो कंप्लीट हुआ। 3 एच एरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 6 स्ट्रेच, और सीधे लेटना है तो 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच देना है। फिर वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग में रिपीट करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच, यानी कि 6 स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला देने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि जो हमने ये पॉइंट इस्तेमाल करे हैं ये लंग्स को आगे से और लंग्स को पीछे से स्टिमुलेट करने के तरीके हैं। हमने पूरी स्पाइन को स्टिमुलेट करा क्योंकि पूरी स्पाइन से हमारे आगे के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई जाएगी। तो दोबारा से सुनिए इस फॉर्मूले को, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेस, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, 20 राउंड द स्पाइन, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला बहुत टेस्टेड है, आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इस ऑक्सीजन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित तौर पर यह फॉर्मूला आपको मदद जरूर करेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला।